हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि इंडियन आइडल सीज़न 12 दोस्तों स्टार्ट हो गया है, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं दोस्तों। और क्या पता इसमें से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए और आप एक सिंगर बन जाए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन आइडल का सीज़न 11 था दोस्तों, वो सफलतापूर्वक ख़त्म हो गया दोस्तों, वो लोग कर लिया है। तो सीज़न 12 है वो आने ही वाला है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बहुत आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सब अगर छूट गया आप लोग का तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को अगर इंडियन आइडल सीज़न 12 में जाना है दोस्तों, तो आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनिए, और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें दोस्तों, ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे जानते हैं दोस्तों कि इंडियन आइडल सीज़न 11 या फिर इंडियन आइडल में आप लोग देख सकते हैं कि इतना दिग्गज सिंगर निकला है कि दोस्तों आप लोग बोल नहीं सकते हम, और उनका एक अलग लेवल बन गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं जैसे सलमान अली है, उसका एक अलग लेवल है दोस्तों। तो जितना भी सिंगर निकला दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि जैसे यूट्यूब में, टीवी वगैरह में सब देखते हैं आप लोग कि इंडियन आइडल में किस तरह से फेमस हो रहा है, कितना अच्छा ये शो दोस्तों, बहुत ही रैंकिंग का शो है। मतलब ये बोलेंगे कि एक टॉप टॉप शो में है दोस्तों इंडियन आइडल। तो आप लोग को ज़रूर इसमें जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बिना समय लिए आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो सीज़न 12 है, इसके लिए दोस्तों आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप लोग ग्रैंड ऑडिशन में जा सकते हैं दोस्तों। तो पहले आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को वो लोग बुला सके और आप लोग को ऑनलाइन आप लोग को ग्रैंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देते हैं तो आप लोग को कॉल करके वो लोग बुलाता है या फिर मेल भेजता है कि यहाँ पे ऑडिशन है और आप लोग आ सकते हैं, दे सकते हैं ऑडिशन। तो इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक अभी तक आया नहीं दोस्तों, जब आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। और जो रूल है दोस्तों इसका, बहुत जो रूल है आप लोग को वो जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ अभी। तो वो रूल देख लीजिए दोस्तों, रूल क्या क्या है, क्योंकि आप लोग अगर रूल नहीं जानेंगे तो किस तरह से जाएंगे आप लोग, किस तरह से क्या करेंगे। तो आप लोग रूल देख लीजिए। रूल नंबर 1 है दोस्तों कि पहचान के प्रमाण के अनुसार पार्टिसिपेंट की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। तो आप लोग अगर 18 साल के नहीं हुए हैं तो दोस्तों आप लोग इंडियन आइडल में ऑडिशन या फिर किसी भी रियलिटी शो में ऑडिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ठो एज कैटेगरी होता है, क्योंकि 18 होने से ही आप लोग ऑडिशन दे सकते हैं। तो इसलिए आपका एज 18 होना चाहिए दोस्तों। और रूल नंबर 2 जो है वो है पार्टिसिपेट को फिजिकली और मेंटली फिट रहना दोस्तों। ये हर जगह बोला जाता है कि पार्टिसिपेंट को फिजिकली, शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से वो उसको एकदम पूरा फिट रहना है दोस्तों, ताकि कोई भी परेशानी ना आ सके और वो लोग अपना ऑडिशन या फिर आप लोग सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसका कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग मांगता है कि आप लोग का मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहिए, तभी ना आप गा सकते हैं दोस्तों आराम से, कुछ दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों, थर्ड रूल जो है वो आपके लिए है कि मेल और फीमेल दोनों ऑडिशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और जो रूल 4 है दोस्तों, वो पार्टिसिपेंट के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों, ताकि वो लोग को कोई परेशानी ना हो सके। और जो इसका दोस्तों शहर है, कौन कौन शहर में ऑडिशन लिया जाएगा वो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन जो आप लोग का डेट है वो डिक्लेयर नहीं किया है। तो मैं आप लोग को शहर, सिटी जो है वो बता दूंगा। तो देखिए सिटी कौन कौन है, देखिए दोस्तों सिटी है जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, देहरादून, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, ये सब सिटी में दोस्तों आप लोग का ऑडिशन होगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और मेरा भी आप लोग का दुआ है कि आप लोग सिलेक्शन हो जाए और एक बहुत ही शानदार सिंगर बने दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
इसमें मैं बहुत ही लेटेस्ट अपडेट डालता हूँ दोस्तों, और आप लोग को जानकारी देता हूँ कि किस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिशन में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और कौन कौन सा गाना या फिर क्या चूज़ कर सकते हैं, वो सब वीडियो में इस चैनल में बनाता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इंडियन आइडल और जितना भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं इस चैनल में दूंगा। तो